सो हे पोकेमॉन्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक और धमाके दार एपिसोड ऑफ पोकेमॉन्स स्कारलेट एंड वायलेट गाइस। और हमारा पैक्स कैलिवर जो कि पिछले एपिसोड में इवॉल्व हो गया था, भाई मेरे को, मैं पता इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे याद ही नहीं कि पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। तो क्योंकि मैंने पता 4 से 5 वीडियो शेड्यूल कर रखे हैं और मैं इतना बिजी हूँ, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं मतलब 3 दिन के लिए मैं बाहर गया हूँ, मैं 4 से 5 शेड्यूल कर रखे हैं और भाई कब जब तक एपिसोड वो आएंगे पता नहीं क्या क्या हो रखा होगा भाई। और ये देखो क्या लग रहा है गाइस, अबे क्या मेरे अंदर घुसेगा क्या मिराडोन के अंदर है? मिराडोन दियो जरा इसे कुछ मतलब दिखाया करे, अपना लेजेंडरी है तू यार। तो ये स्यूडो लेजेंडरी हमने नया मिला था जिसमें कि शायद उस एपिसोड में मुझे शाइनी भी मिला था, शाइनी के साथ ये वाला मेरे को रैंडमली मिल गया था। और पॉमॉट का मेरे को अभी तक कोई मिल नहीं रहा, पॉमॉट का देखूंगा भाई, अगर थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला तो इसका मैं हटा के कुछ और लगाता हूँ। अभी शायद मुझे यहाँ तक याद है कि टीम स्टार के बॉस को मैंने हराया था और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे उसने बुलाया कि नीचे जाने के लिए, और मैं कपड़े चेंज सोच रहा हूँ कि कर लूँ सबसे, और उसने बुलाया कि जहाँ पे हम पहली बार मिले थे तो वहाँ पे मिलना है, उसने मेरे को वहाँ बुलाया। यार लड़कियाँ मेरे से दूर नहीं रह सकती यार, मतलब प्यार में इतनी पागल है कहाँ वो। ओके ये रही क्या बोलने वाली तू? हाँ आगे मैं पता कपड़े चेंज करूँगा बाद, अपने 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 पहनी के नहीं अपने, तुम लोग कहीं पता चले कुछ और ही सोचने लग जाओ। तो अपने कपड़े मैं चेंज करूँगा, थोड़ा लोगों की चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या जाना है। एरिया जोन के लिए हम तैयार है कि नहीं है पता नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ चला विस्टार द सिक्स ऑफ अस थॉट अप डैट कैच फ्रेश बैक वेन वी क्रिएटर। अच्छा तुमने बनाया था सब, इट्स सो क्रिंजी इट्स परफेक्ट यू नो। हंस रही है, अबे हंस रही है कहाँ हंस रही है भाई, मरी जाइए तो भाई, अभी मर जाएगी गिर जाएगी नीचे। डैम एनीवे बट अबाउट द एलपी थिंग, आई थॉट आई वाज गोइंग डाउन बिग टाइम फॉर हैकिंग द लीक पॉकेट बट दे आर। अच्छा तेरे को छोड़ रहे हैं क्या बात है, हुआ क्या फिर भी बता दे। द पोकेमॉन लीग साइड दे विल वेव माई डेप्ट इफ आई डू सम वॉलंटियर इंजीनियरिंग फॉर देम। अगर कुछ इंजीनियरिंग उनके लिए करेगी तो इसका डेप्ट हटा दिया जाएगा। ओ दे वन आस्क मी टू कम वर्क फॉर देम आफ्टर आई ग्रेजुएट इफ यू कैन। भाई इनके तो लॉटरी निकल चुकी है, मैं बता रहा हूँ इनकी टीम स्टार की। डायरेक्टर क्लेवल एंड डेट गीता लेडी केप्ट कॉम्प्लीमेंटिंग लाइक अ वियर्ड अमाउंट। डैम apparently I have outstanding talent or something. Outstanding talent तो है भाई, sorry for calling you out here to meet like this, I'm still not so great with people face to face, I never seem to find the right words but क्या बोल क्या बोलना चाहती। थैंक यू सो मच, अरे तू 1 लाख एल पी डाल अभी देख, थैंक यू हम मालने की तरह। यू से टीम स्टार एंड माई फ्रेंड्स ऑल अलॉन्ग विथ इट, आई नो वर्ड्स वॉन्ट एवर बी एनफ टू प्रॉब्ली थैंक यू फॉर। क्या किस कर रही है क्या, दूर है मेरे से कोने में। ओ ड्रैगो मीटियोर भाई, सबसे बेस्ट ड्रैगन टाइप मूव है ये, मतलब बहुत डैमेज करता है। कॉमेट्स आर समवर डाउन फ्रॉम स्काई ऑन टू द टारगेट, द रिकॉइल फ्रॉम दिस मूव हार्डली लोअर्स द स्पेशल अटैक गिरा देता है। एक मिनट ये स्पेशल मूव है क्या? अरे यार स्पेशल मूव नहीं, अगर नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पेशल मूव है तो फिर तो बैन हो जाएगी मेरी, क्योंकि स्पेशल अटैक मेरा ऑलरेडी गिरा हुआ है उसका पैक्स कैलिबर का। और चलो देखता हूँ, आई एम श्योर यू विल पुट दिस टू। यार और है क्या तेरे पास ऐसी चीज़ें? क्या क्या क्या? आई वुड रिपे द डेट आर यू इफ यू एवर थिंक ऑफ वे आई कैन डू डैट जस्ट लेट मी नो। अरे तेरे को वहाँ एरिया जीरो में मदद चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कर दे। आई एम ग्रेट विद मचिंग एंड हैकिंग स्टफ। हाँ इसी वजह से मुझे लग गया था कि तू कैसे पिया है, बता दू कैसे। सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी वन हेल्पिंग यू। अरे अरवन की तरह एक मिनट, मेरे को पॉकी में लीक भी जीतनी पड़ेगी एरिया जीरो में जाने के लिए। आज चल अभी स्टार निकल गया भाई, भक्ति कैसे भग रही है इतनी बड़ी स्टेयर्स और ऐसे कैश। ये पॉकी में लीक होती है ना बड़ी रहता है। स्टारफॉल शीट कम्प्लीटेड गैस, हमारे जिम भी कम्प्लीट हो गया, विक्ट्री रोड और ये भी कम्प्लीट हो गया। ये पोकेमॉन लीग होनी चाहिए, भले ऐसे सीढ़ी चढ़ते हुए एकदम बढ़िया। ओके तो थोड़े कपड़े वोड़े चेंज करते हैं, देखते हैं हमें जाना क्या है, पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। पोकेमॉन लीग में जाना क्या हमें? चश्मा या तो ये है टोपी। ओके गैस टोपा पहना के देखते हैं। सो क्या हैट है, दिखाओ हैट भी देख लें। इन्होंने अभी तक अपडेट ही नहीं निकाला, मेरे को तो इस बात पर अजीब गरीब लग रहा है कि अब तक तुम्हें अपडेट निकाल देना चाहिए था इसका। स्पॉटी कैप बेकार भैया, तो येलो 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 स्पॉटी नहीं है, मेरे को कुछ और देखना पड़ेगा भाई, ये तो एक ही लुक दिखा रहा। ओके गैट्स बाय, ओके जासूस नहीं बनना मेरे को। बीनी ओके गैस बीनी देखते हैं। नहीं यार बकवास है, नंबर का यहाँ पे चश्मा देख लेते हैं गैस, चश्मा भी पहन लेते हैं भाई। गेट के आर पार हो गया था, व्हाट द हेल क्या बग है। ओके हाफ रिम ग्लासेस, वैसे मैं तो बिना रिम उसके पहनता हूँ, मतलब मेरा तो है ही नहीं, इसके हाफ है। नीचे से शुरू करते हैं, बकवास। ओ ये ठीक है, बस इतना ही तुम्हारे पास? वैसे सारा कुछ पर्पल पर्पल है, पर्पल ही पहना था उसको मैं। ये ठीक है यार,
पैसे बहुत हैं तुम्हारे भाई के पास। चलो भाई, चश्मे या अलग पहन लिया एकदम, पर्पल पूरा कर दिया। अब हमें जूते भी देख लेते हैं, कोई अच्छे जूते मिल जाए। आई होप अच्छे जूते। सॉक्स, ओह सॉक्स के लिए आए हम। डैम, जूते नहीं दोगे क्या मुझे? क्या भाई, दिखा दे। आ जा, खुल जा, सिम। नहीं, वाइट नहीं। स्पोर्ट्स हाई सॉक्स, यार क्या है यार, इसमें कपड़े बहुत बेकार। लाइक स्वॉर्ड एंड शील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा था। या तो मुझे दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी। ओके, जूते दे रहे। मतलब हर शहर में जाके मेरे को फैशन लाइक लड़कियों की तरह करना पड़ेगा। ओके, ब्लैक पर्पल ही पहना दूंगी इसमें। ये तो वही जूते हैं यार, मैंने वाइट पहन के। वेयर इज पर्पल? पूरा ऊपर से नीचे पर्पल ही नहीं यार, थोड़ा अलग करता हूँ। ओ परफॉर्मेंस, और ये क्या है? डैम, लो टॉप भी है इसमें, वो ये अच्छे हैं। थोड़ा सा रेड वेड बना देते हैं। हाँ ठीक है, ऑरेंज में नहीं, बकवास लग रहे हैं एकदम। पैंट के साथ मैचिंग तो हो रही है यार, यही बना दो। चलो यार, इतना मैं नहीं सोचता यार। अच्छा, मेरे को किसी ने तो बता ही दिया था कि जूते अब हम पहन सकते हैं। किसी ने मेरे को बताया कि ऐसे नीचे से कैमरा है, कहाँ गए? लेफ्ट साइड से हम चेंज कर सकते हैं। हाँ देखा, भला हो उसका जिसने मेरे को बताया। ये पहले भी जूता वैसे ही था शायद। करे तो कहाँ जाएँ, जाएँ तो कहाँ जाएँ, करे तो क्या करेंगे। इस सबको तो हमने कर लिया। लाइक मतलब इसके पास ही जाना पड़ेगा क्या? ओके, सेट डेस्टिनेशन। तो मुझे यहाँ से उड़ के ऊपर से जाऊँगे या यहाँ से जाऊँगा? डैम बॉय, तो इसके पास जाएँ, एरिया ज़ीरो के पास कैसे जाएँ? कोई तो बता दो मेरे को। यह रेबर रूम अभी तक यहीं फंसा हुआ है, ये जा ही नहीं रहा, पता है तब से नहीं आ रहा ये। चलो गाइस, ऐसे करता हूँ, वहीं से चलते हैं। इसमें एक वो होना चाहिए था कि अगर आप जैसे जा रहे हो तो एक ज़मीन पे एक लाइन आनी चाहिए थी जो आपको गोल दिखाता है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, ऐसा दिखाना चाहिए था इनको। बट कोई नहीं, इसी बहाने एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ओ भाई, यहाँ जा सकता हूँ? पर तुम शायद आप जा सकते हैं। मैसा गोजा, चढ़ जाए चढ़ जाए चढ़ जा, शाबाश, अब तो जा सकते हैं। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पहुंच गया क्या मैं पोकेमॉन लीग? क्या इन्होंने वापस फेंक दिया तुम्हारी इतनी? एक मिनट देख लेता भाई। ओ आ गया मैं। डैम, ओ यहाँ से शॉर्टकट है भाई, तुम्हारा भाई तो अलग ही। एक मिनट, सबसे पहले पोकेमॉन कौन सा रखा मैंने? इसकी लेवल अप कर दूँ क्या? बट इसकी लेवल अप करने में यार मेरे पास पता है एक वो नहीं है। वैसे एक वाटर मूव है जो इसके पास है, बोला अगर फायर टाइप आ गया ना तो सही बता रहा हूँ, बैंड बच जाएगी मेरे को। वाटर यार, बिजली का ढूंढना चाहिए। ऐसा करो यार, बिजली का ढूंढ के लाऊं मैं। ये सब कौन है? ओ इगली पफ, ले तेरी भैंस क्या है इगली पफ, दे इसमें चाटा दे तेरी भैंस क्या। गाइस, इलेक्ट्रिक टाइप तो मेरे को दूसरा और कोई लग नहीं रहा, और मैंने देख सकते हो कि बैक्स कैलिबर की लेवल 65 कर दी है, यानी कि 65 सिर्फ इसी की करी है, क्योंकि बाकी की मेरी लेवल देख सकते हो कि ज़्यादा थी। अगर मैं उनको इसके साथ यहाँ पर रखता तो इनकी और लेवल अप हो जाती है, और मेरे को जाके देखना है कि ये मेरी लेवल कम है ज़्यादा है मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक बार यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं, पता चले बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवल हो गया तो बेकार लगेगा। थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए ना कि मज़ा भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इनको वापस रखते हैं, और मैं एक बार देखूँगा कि आइटम कहाँ है मेरे बैग में। मेरे को उसको लकी एग की जगह मेरे को वो पकड़वा देना चाहिए, क्या कहते हैं, जो अपना कहाँ गया, ड्रैगन फैंग। हाँ, क्योंकि लकी एग का हो गया अब और तो नहीं देना। और मैं पता सोच रहा था कि साथ ही साथ पॉकेट एग्स को फुल करने के लिए वो कर लूँ, लाइक अपने छोटे छोटे इसके ही लेवल अप कर रहा हूँ, जैसे 65 मैंने कर ली, 58 थी, तो साथ ही में बाकी छोटों करके इवॉल्व कर लेता। तो मैंने रहने दिया, मैंने कहा छोड़ो ऐसे, ठीक है ठीक है, उनको बाद में एपिसोड बनाएंगे, देखेंगे कुछ करेंगे, मस्ता करेंगे, मज़ा आएगा। और यहाँ से आगे चलते हैं। ओ वो कौन खड़ी है? ये तो चुड़ैल सी बालों खुले वाली की गीता खड़ी है। तो पहले पोकेमॉन मेरे को रखना चाहिए ये, देखता हूँ बैक्स कैलिबर कितना काम का। पॉमोट से ही काम चला लेंगे, देखते हैं। और इसको मेरे को इसको क्या देना चाहिए, इसके पास कुछ है भी नहीं। क्विक क्लॉस को दे रखा है, इसके तो वैसे स्पीड अपने में ज़्यादा है, हार्ड रॉक इसको दे रखा है, ठीक है। या पीछे, ओह अच्छा वहाँ पर कोई खड़ा है, या पीछे आके देख लेते हैं पीछे कुछ है। अगर कुछ मिलता तो अच्छी बात है यार, एक बार देख लेते ना। अरे कोने में पीछे कुछ है बढ़िया सा, गिमी गोल का है यहाँ, ये रहा मिल गया गिमी गोल, दो कॉइन मिले। वो है टीएम, है टीएम, है टीएम है गाइस।
बेटर मत द यूजर स्विच प्ले विद अ पार्टी पगिन। अच्छा चेंज कर लेगा, अरे इतना तो कुछ खास नहीं, तो लगता बढ़िया सा होगा कुछ। कोई नहीं, चलो गीता के पास चलते हैं। मैडम गीता, ओ ये कुछ है, अरे 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 भाग जाएगा, आई होप ना भागे। पोकेमॉन लीग गाइस हियर वी गो, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज से लिखी हुई है। ठीक है भाई देख लिया, हमने बिल्डिंग अच्छी है। और कौन रोक रहा है भाई चेयर वूमेन को, पोकेमॉन लीग के चेयर वूमेन का कौन रोक सकता है भाई। कैसे लग रही भूत से बाल जैसे बोलते हैं चुड़ैल। एक कौन सा पोकेमॉन है, जोरो आर्क का वो आरकेएस लेजेंड वाला रूप। बाप रे, हेलो अमृत। सो दिस इज यू आर डिसाइड टू फेस द पोकेमॉन लीग भाई, सेम अभी डायरेक्ट फाइट हो जाएगी। द फाइनल टेस्ट यू मस्ट पास टू बिकम अ चैंपियन। क्या कौन सा चैंपियन, इज हेल्ड हेयर इन दिस बिल्डिंग। ओके मतलब डर गया। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट अमृत। थैंक यू मिस गीता जी, आई लुक फॉरवर्ड फॉर मीटिंग यू अगेन। ये तो वैसे चेयर वूमेन है और ये चैंपियन भी है। डोंट टेल मी ये लास्ट में फाइट करने आएगी या नहीं आएगी। चलो भाई जान दे मेरे को, जान दे क्या है। आर यू रेडी टू फेस द पोकेमॉन लीग चैंपियन असेसमेंट। ओके चैंपियन असेसमेंट, ये क्या होता है। लेट्स सी अमृत फ्रॉम युवा अकेडमी। इट अपीयर्स यू हैव टोटल ऑफ 8 जिम मैचेस। हाँ देख ले भाई, वेरी वेल यू मैन आवर परसेंट थोड़ा इंटरव्यू। भाई हमारा इंटरव्यू ले जाएगा। हाँ एक लड़क रुक जा अंतमा जी, कि मैं गोल रह गया। कोई नहीं उस वो वहीं पर आएगा, आई होप सो, बाद में उसको उठा लेंगे। और ये कौन है, ओ रीका, शायद रीका ही नाम था उसका, रेरी या रीका, रीका रीका हाँ लड़की है ये पता है। हाँ रीका थैंक यू फॉर कमिंग टूडे। ओके प्लीज़ डू हैव अ सीट, थैंक यू फॉर द सीट। सीट देने के लिए नहीं तो तेरी सीट छीन लेता मैं, अपना बैठ नहीं सकता क्या मैं शायद। ओके बटन दबाना पड़ा शायद मुझे या जाके। भाई म्यूजिक कैसे बज रही है भाई, घंटा बज रहा टन। आई रिका विल बी योर इंटरव्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैंपियन असेसमेंट। फर्स्ट पोर्शन, एक मिनट कितना पोर्शन है भाई। फर्स्ट थिंग लेट मी सी हाउ मेनी जिम बैचेस यू हैव। एक्सलेंट यू हैव ऑल इट। ठीक है पहले तो मुझे घुसने नहीं देता गाड़ी। आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। ओके पूछ लो। फेल द इंटरव्यू, ओ अगर मैंने गलत दे दी तो फेल हो जाऊंगा मैं। आर यू कडिंग मी, हाउ डिड यू गेट हियर टुडे। फ्लाइंग टैक्सी तो आ नहीं सकता, मेरे को चल के आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो पोकेमॉन सेंटर था उस पर भी मेरा फ्लाइंग का नहीं आ रहा था। जब तक ना जाओ तब तक फ्लाइंग नहीं आता। आई वॉक चल गया मैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाइक पे था वैसे तो। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द स्कूल यू आर इन एनरोल्ड। युवा अकेडमी, क्योंकि युवा अकेडमी अकेडमी का यही सुन रहा हूँ, युवा जवान खून वाला अकेडमी। व्हाट ब्रिंग्स यू टू द पोकेमॉन लीग टुडे। भाई चैंपियन बनने आते हैं पोकेमॉन लीग में तो कैश करना तो आता नहीं पोकेमॉन। आई सी सिंड वाई एल्स यू वुड भी, हाँ थैंक गॉड भाई मेरे को लगा कुछ और ही ना हो जाए ना। बट डू यू इंटेंड टू डू, अगर चैंपियन बन जाए तो क्या भाई मैं मिस यूनिवर्स का वो दे रहा हूँ क्या। आई वॉन्ट टू फाइंड ट्रेशर भाई, ओबियसली मेरी लाइफ का ट्रेशर अभी तक मुझे पता नहीं। वैसे मैंने मदद तो कर दी थी बट अभी देखते हैं क्या पता। टेल मी विच ऑफ द 8 जिम यू गेव यू द मोस्ट डिफिकल्टी। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किसने दी थी मेरे को भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किसने दी थी भाई 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 किसने दी थी। मैं कहता सबसे इजी वाला कर लेता हूँ। इजी वाला कौन सा है मेरा, लेवी 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 जी है जो आइस वाला था, और वो आइस वो इलेक्ट्रिक टाइप था, मतलब वो बोनी सी छोटी सी थी। यू फेस दे व्हाट वाज आयोना लोना लोना करके किसी ने कमेंट में लिखा था ना, क्योंकि मैंने बोलता आयोनो या लोनो बोलता, किसी ने बोलता आयोनो है कुछ तो है भाई, यही नाम है भाई। वैसे मुझे ट्यूलिप बोलना चाहता यार सुंदर थी वो, यही है ना सही है ना भाई। याद है याद है यार भाई, मैं तो लग रहा फेल हो गया। जिस टाइम वो कमेंट करता उसकी वजह से याद है, और क्या यूज़ करता उसने किस टाइप का है, अबे इलेक्ट्रिक है वो तो मुझे याद है, तभी तो मैंने उसको चूज़ करा। हाँ इलेक्ट्रिक था ना, एक मिनट वंडरफुल पास हो गया ना मैं। बिल्डिंग द स्किल्स नीडेड फॉर चैंपियन असेसमेंट इज नो स्मॉल फिट यू बस है। अगर मैं पता मैं उसका सोच रहा था घोष वाली का, घोष ने मेरे से मेरे को वो तो नहीं दिया क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम तो नहीं थी उसको, शैडो कलर से मैंने आसानी से हराती था, बट वो जिम मेरे को बेस्ट लगा। नहीं तो फिर मैं लैरी वाला करता था, क्या कहते हैं लैरी वाला जिम, लेकिन उसको मुझे याद नहीं आता लैरी का नॉर्मल टाइप का क्या था, उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा था, नहीं तो वो कर देता मैं। यू मस्ट हैव मेटा, क्योंकि उसका टेस्ट सबसे बेस्ट था, टेस्ट उसका हार्ड था, दिमाग वाला था। अब क्या कहते हैं बट वॉज अ कैटेगरी द पोकेमॉन यू चूज टू बी फर्स्ट, मेरा था ग्रास कैट पोकेमॉन। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, हाँ मेरे को वही याद है ना, स्पैरी गिटाटो पता नहीं क्या नाम था। नाउ प्लीज गिव मी फॉरगिव बट आई एम गुड, क्या रिमाइंड मी व्हाट डू यू इंटेंड टू डू इफ यू बिकम। भाई आई वांट टू फाइंड ट्रेजर भाई, ट्रेजर ही भाई मेरे को बाहर निकाल देगा क्या ये।
बड़ी मुश्किल लेवल अप करके आऊँ। हाँ यस डेट्स राइट। ओह हो भाई 58 से 65 लेवल करना, मुझे पता है कितनी लैग मैं वहाँ पर गया था जहाँ पे 50-50 लेवल के पोकेमॉन होते हैं और टाइम लग गया था उसमें। नेक्स्ट इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू, पर क्या डू यू लाइक पोकेमॉन? यस, तभी तो गेम खेल रहा हूँ मैं, चैनल भी मेरा पोकेमॉन का लूल। तो ये कौन सा अजीब गरीब था? बोल दे कुछ तो, बोल दे। गुड जॉब किडो, किड बोलते तेरी फैंस की, आ तू जरा लड़ने मेरे साथ, तू लेट फॉर है ना, बताता हूँ तेरे को। डेट अबाउट रैप्स ऑफ द इंटरव्यू, भाई रैप अप खत्म हो गया इंटरव्यू, थैंक गॉड, एंड लेट मी बी द फर्स्ट टू कंग्रेचुलेट अमृत। अब सोचो टेबल उठा के फेंके और सीधा आ जाए भाई, फाइट आ जाए लड़ने। यू जस्ट पार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैंपियन असेसमेंट, ऑन योर फर्स्ट ट्राई टू नो लेस, डोंट थिंक, देखा पहली ट्राई में, ऑन योर फर्स्ट ट्राई डोंट थिंक एनीवन डन दैट सिंस। अच्छा निमोना ने पहली ट्राई में कर दिया था भाई, निबोड़ा कहीं की। बट एनीवे टाइम टू स्विच गियर्स एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, इलाइट टेस्ट। ओके नेक्स्ट सेगमेंट को इलाइट टेस्ट कहते हैं, वो क्या होता है? एंड यू विल फेल द इलाइट फोर इन अ पोकेमॉन बैटल। सर अब भाई ने बात, एक मिनट वन बार एक एक करके, आई गेस दैट्स प्रीटी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम ऑफ द टेस्ट। एनीवे वी आर द बेस्ट लीग हैज टू ऑफर, अच्छा बेस्ट लीग ऑफ, अच्छा हम से फाइट करके एक ही रूम है और यहाँ से वापस नहीं जा सकते। दिस वॉन्ट बी केक वॉक, आई प्रोमिस यू डेट, मेक श्योर यू ऑलरेडी देन गो इन द रूम बिहाइंड मी। अच्छा इसके पीछे जो रूम है, तो गाइस हमारा पहला आ चुका है। अगर मैं ऐसे भागने की कोशिश करूँ तो, वैसे बात करूँ तो क्या कहेगा भाई? यहाँ पर सेव कर लो यार, पता नहीं पहला पोकेमॉन कौन सा निकालेगा वो। ठीक है तो वैसे ड्रैगन रखा मैंने ना, मैं हमेशा स्टील या रॉक से जाता हूँ, डर का निकल वैसे एनफ है, मतलब रिवाइव का निकले। चलो डर सा लग रही है गाइस, पहला इलाइट फोर कैसा होगा भाई? मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि डायरेक्ट हम इलाइट फोर से बैटल करने वाले हैं। लाइक मुझे लगा था निमोनो से फाइट होगी, उसके बाद फिर मैं अगले एपिसोड लाइक ऐसा इलाइट फोर या वो सब करके करूँगा मैं। डैम ओ भाई ये कैसी चीज़ है, कितना खुला एरिया, स्वॉर्ड एंड शील्ड का था काफ़ी। हो हेलो डोंट टेल मी तू ही है पहला, तू भी इंटरव्यू लेता है नाउ देन लेट्स गेट स्टार्टेड हैं, लेट गुड ऑल रिकअप बी द फर्स्ट। ओ भाई सब यही है, आई वुड से आई विल गिजी ऑन यू बट आई वुड बी लाइंग थिंक फास्ट, तेरे कान के नीचे देखे मारूंगा मैं भाई। फोटो खींचनी पड़ती है पता, क्योंकि थंबनेल बनाना पड़ता है क्या थंबनेल को। ओ भाई साहब विश कैसे, एक मिनट इलेक्ट्रिक और वाटर है, नहीं इलेक्ट्रिक और वाटर दोनों के लिए मेरे पास। आई फाइनली गेट टू बैटल यू, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, सो डोंट गिव अप टू सून। गिव अप तो तू करेगा, करेगी मतलब। ओ 57 लेवल, ओके यस 57 लेवल। अगर मैंने ये मारा और वो मरा नहीं तो पता क्या होगा, मेरे को डबल डैमेज होगा। अगर मैंने ये मारा तो वो फ्लिंच हो सकता है, फ्लिंच या फ्रीज भी हो सकता है, अवॉइड हो गया। डैम तेरी पैस की आँख, अर्थ पाओ, शाबाश, क्रिटिकल मार दिया। अब मार दे, यस अब मैं तेरे को फ्लिंच करूँगा, कर दे फ्लिंच, फ्लिंच हो जाए प्लीज। डैम बट अब क्रिटिकल नहीं लगा तो अच्छी बात है, अब तो तेरे को फाड़ दूंगा मैं। मछली मच्छी जल की रानी है ये ले, विश कैश मूछे हो तो विश कैश जैसी हो। ओके नेक्स्ट कौन सा निकल, वैसे हमारी लेवल ठीक है। डॉन फैन, ओ भाई साहब डॉन फैन, डॉन फैन इज अ ग्राउंड तो ओके। तेरे को ले अपनी कैट दिखाता हूँ मैं, बिल्ली शेरा अपना दिखाता हूँ, शेरा जय फाड़ दे, आई मीन नाखून मार दे मुंह पे पूरे इसका, नोच दे इसका। डॉन फैन आ जा भाई, डॉन फैन एक मिनट, डॉन फैन कौन सा ही? ओके नॉर्मल वाला भाई, मुझे लगता है स्टील वाला डॉन फैन तो नहीं है। सुपर इफेक्टिव, सुपर इफेक्टिव, ओके ये है। मैं इसको क्रिटी मारूंगा यार, मैं नहीं चाहता मेरा वो हो जाए, वेट हो जाए, मिस भी हो जाए, और ये मिस नहीं होता ना, ये रखा क्रिटी, बचता है स्टडी नेचर। डैम तभी बच गया, बच जा। ओ भाई साहब तू बचता है, ये ले चिलिंग वाटर। पहली बार मैं चिलिंग वाटर यूज़ करो, पहली बार में कभी यूज़ नहीं करा मैंने चिलिंग वाटर भाई। स्टडी नेचर वाले तो यार बड़े गंदे लगते हैं मुझे। ओके रिका लाइफ कैमरप्ट, कैमरप्ट इज अ डैट वो काओ विद डैट वॉल कैनो, काओ विद डैट वॉल कैनो। तो फिर अर्थ को एक मार सकता हूँ मैं, अर्थ को एक मार सकता हूँ मैं, लेट्स सी क्या होगा। तो हमारा पहला इलाइट फोर की तो बैंड बच गया यार, बजा दे हमने रिका
पिका चिका पिका पिका चू कैमरा ढोइए। हाँ मुझे लग रहा था, और इस समय फाइट नहीं करिए तो मुझे इसलिए नहीं पता इसका, क्योंकि सिर्फ पहले वाले एवोल्यूशन की फाइट करी मैंने। यस एक बार में कैमरा मुझे इरप्शन करके ना उससे पता याद हो गया। डक्ट्रियो डक्ट्रियो इज अ ग्राउंड, और मैं अगर फ्लावर ट्रिक निकाला तो दिक्कत हो सकती है उसको, क्योंकि वो बाई चांस मर मरा गई तो शेर हो अपना। ओ सैंड सॉन्ग, और सैंड सॉन्ग तो मुझे लगेगी नहीं, आई होप सो मुझे लगेगी नहीं ऐसा तो। अच्छा ये ग्राउंड टाइप है इलेक्ट फोर, ओके ग्राउंड टाइप इलेक्ट फोर, मुझे ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट फोर लाइक, अब ध्यान में आया कि ये तो ग्राउंड सारे निकाल रहा है। क्लॉड सायर इज डेट वूपर, वूपर ही है ना वो। निकालू क्या ऐसा, इसको निकालू क्या गाइस, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे करूँगा ना। आई इम्प्रेस यू रियली आर समथिंग एल्स करो। अबे छक्कों की तरह क्या ताली बजा रही है, छक्का तो तू लग रहा है मेरे को, देख ना वो पूरा घूम गया। हाँ यही है क्लॉड सायर, और ये है अर्थक्वेक ही मारता हूँ सीधा टेरेस्ट्रलाइज करके, इसका मंदिर का घंटा बजा देता हूँ मैं। हाँ तेरी वैसे मेरा टेरा टाइप इलेक्ट्रिक बन जाएगा, और मेरे को ज़्यादा डैमेज हो सकता है क्योंकि सामने ग्राउंड है, मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था तो मेरी पैंट बच जाएगी। डैम 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 भाई कितना बड़ा लग रहा भाई। लेट्स फिनिश दिस गॉन क्लॉड सायर शेक थिंग्स अप द बैट, वैसे बड़ी अजीब सी लुक है इसकी। अरे तेरे बाल स्टाइलिश तो है, देख रहा कैसे स्टाइल मार रहा है। ओके बन चुका है ग्राउंड टाइप, पर आ चुका है समुंदर ग्राउंड और घास पहाड़ के साथ। ओके वो डोंट टेल मी सुपर इफेक्टिव नहीं हुआ उस पर, वॉच योर सेल्फ कॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ बिट शेकी। अब तो मैं शेक हो चुका हूँ भाई, अब तो मैं शेक हो गया हूँ, अब यार तुम मारेगा और मैं इलेक्ट्रिक आया हूँ, मुझे लग ही रहा था लग ही रहा था। और मेरे को लगेगा भी ओ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक, अरे यार एवलेंच मारता हूँ। हाँ थैंक गॉड आई से हेल्प मेरे शिकार का भाई, प्लीज बच जाइए, प्लीज 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 प्लीज, बच गया बच गया बच गया, लेकिन मैं मर जाऊंगा शायद। ओ बच के यार, ओ पी गया, प्लीज सैंड सॉ मत लगी, सैंड सॉ मत लगी, इसीलिए वाले सैंड वो सिखा रहे थे क्योंकि ग्राउंड रॉक का काउंटर है ठीक है। और गाइस इसलिए मैंने एवलेंस करा था कि आइस ग्राउंड की काउंटर है भाई। मुँह में चढ़ गई नट बैठ के, डो तू है चल तेरी कल पहले पड़ता 12,296 कह लो यार, 96 कहते हैं शायद इसको, 96 को गाइस एक भी पोकेमॉन फेंट नहीं हुआ, अच्छा था। टॉक अबाउट अनफेयर, नो वे फॉस आई और एवर का, क्या अनफेयर भाई, स्टिल दो व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, फेल्ट गुड इवन टू लूज, यानी कि तू भी अब छोड़ दे अपनी जगह। नॉट अ होल लॉट ऑफ हैव द स्किल टू मेक इट पास द इलेक्ट टेस्ट, बट हु नोस आई बिगिन टू थिंक दैट यू माइट बी वन ऑफ द फ्यू डेड टू अमृत, बेटर स्टे ऑन योर टोर दो द सेकंड ऑफ इलेक्ट फोर इज स्ट्रॉन्गर देन मी। अब यू आर अप नेक्स्ट स्क्वाड कम ऑन आउट कौन, भाई 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 एक लेट मेरे को हील करने का मौका नहीं दोगे क्या। ओ वाह डिड यू लूज, रुक अप, ये आई डिड, ही इज नो पुश ओवर लेट मी टेल यू, आई विल बी वॉचिंग फॉर द साइड अवेंज मी इफ यू कैन। भाई मैं तो हील ही नहीं हुआ क्या, नहीं नहीं कर सकता कर सकता कर सकता, एक मिनट हाँ सेव भी कर लो। और ये कौन सा टाइप का है मेरे को पता नहीं, ये कौन से टाइप की है, तो मैं गाइस स्टील ही रख लेता हूँ ना, नहीं बैक्स कैलिबर की लेवल करते नहीं है। आई विल वॉचिंग टू जिस हाउ फार यू कैन मेक किडो, तो गाइस ऐसा करता है इलाइट फोर हरा दिए पहले हमने, तो गाड़ी लेके भाग सकता हूँ यहाँ से वापस जा सकता हूँ भाई, देर से टर्निंग में भाई, चलो खैर जस्ट फॉर द फन। तो आज के लिए ऐसे करते हैं इलाइट फोर को हरा दिया, उसके बाद बाकी इलाइट फोर को भी हरा देंगे एक एक करके, एक एक एपिसोड में लाएंगे एक साथ, हराने में क्या मजा आएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा
मजा आना चाहिए ना। हरा तो मैं सकता हूँ, मेरे को लग रहा है मेरी लेवल ठीक है। अभी जाते जाते इसकी 60 आएगी, फिर सामने वाले की 63 64 आएगी, फिर 65 आएगी, तो यानी कि मैं ऑलमोस्ट आसपास हूँ। देख सकते हो कि सबकी लेवल मैंने बराबर रखी है, देख सकते हो 61 61 61 61। इसकी लेवल बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात है इसको मैंने शायद 45 लेवल पर पकड़ा था, उसके बाद 58 था, फिर अब जाकर मैंने 65 करा, तो देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने आसपास रखी है, तो मज़ा आने वाला है। कपड़े भी मैंने मिराडोन की तरह रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वायलेट है हमारी और इसमें पर्पल लाइक अब वो है। तो इसी का सभी से आगे लेता हूँ गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना चैनल पर नए सबसे पहले। अगले में लाइट 4 सेकंड की बारी पैंट बजाने वाला हूँ, ये पॉपी है पॉपी करके। तो इसी का सबसे आगे लेता हूँ, अडियोस, टेक केयर, शबा खैर एंड पीस आउट।